नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकल्चर वेदिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुपर कंपोस्ट की बनावट, सुपर कंपोस्ट खाद के फायदे और इसमें ट्राइकोडर्मा मिलाने की विधि के बारे में बताऊंगा। किसान भाइयों, सुपर कंपोस्ट जमीन में बनाया जाता है जिसकी चौड़ाई 5 फीट और गहराई 2.5 फीट होती है। लंबाई कम अधिक आप अपने पशुओं से प्राप्त गोबर के अनुसार बढ़ा सकते हैं आवश्यकता अनुसार। इसके अंदर हम गाय भैंस भेड़ बकरी के गोबर को डालेंगे। इसके अलावा पशुओं को जो हम चारा डालते हैं, जो उसके अवशेष रह जाते हैं, वो भी इसमें डालेंगे। हमारे घर के आसपास में जो पेड़ पौधे हैं उनसे जो पत्ते झड़ जाते हैं वो भी इसमें डालेंगे। अगर फूल वाले पौधे हैं तो उनके जो फूल मुरझा के नीचे गिरते हैं वो भी इसमें डालेंगे। घर में हम सब्जी का यूज़ करते हैं और जो छिलका रह जाता है वो भी हम इसमें डालेंगे। और ख़ास करके हम इसमें नीम की पत्तियाँ और नीम्बोली भी डालेंगे, यानी जो भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें और पदार्थ हैं वो सब इसमें डालेंगे। बायोडिग्रेडेबल पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो फंगिसाइड और बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें जो अपघटित नहीं होती हैं उसको हम इस गड्ढे में नहीं डालेंगे, जैसे हड्डी हो गया, कांच हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक की पन्नी वगैरह हैं वो इस गड्ढे के अंदर नहीं डालेंगे। पका हुआ मीट या पकी हुई सब्जियाँ भी इस गड्ढे में हम नहीं डालेंगे। इस गड्ढे में हम 20-20 में सिंगल सुपर फॉस्फेट डालेंगे और उसके अलावा कभी कभी सप्ताह में एक दो बार हम इसमें पानी डालेंगे ताकि इसमें नमी बनी रहे। इस प्रकार जब गड्ढा भर जाता है तो इसके ऊपर हम पुरानी बोरी, तिरपाल, आग के पत्ते या खींप से इसको ढक देंगे और कभी कभी इसमें पानी डालेंगे। 4 से 5 महीने में हमारा सुपर कंपोस्ट खाद बन करके तैयार हो जाता है। छायादार वृक्ष के नीचे प्रति 100 केजी सुपर कंपोस्ट खाद में 1 केजी ट्राइकोडर्मा को मिलाएंगे और पावड़ा से अच्छी तरह मिलाने के बाद में इसको हम पुरानी बोरी हैं, त्रिपाल, घास फूस से कवर करेंगे और दिन में 3 टाइम सुबह, दोपहर और शाम को पानी की छींटे मारेंगे। ये प्रक्रिया हम 10 से 15 दिन तक दोहराएंगे। इसके बाद में हमारा ट्राइकोडर्मा कल्चर बन करके तैयार हो जाएगा। इसको हम इसको हम
फसलों में छोटे पौधे हैं उनमें और सब्जियां हैं उनमें हम डाल सकते हैं, तो इसके कई फायदे हैं। सबसे पहले पौधों को प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व और पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। पौधों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं जिससे जड़ संबंधी कोई भी विकार या व्याधि पौधों में नहीं होती है। पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और विशेष करके मूंगफली की फसल में जो जड़ गलन और जड़ काली पड़ने की समस्या है वो खत्म हो जाती हैं और कुछ हद तक सफ़ेद लट का भी नियंत्रण हो जाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और हम पशुओं से प्राप्त खाद को सीधा यदि हम खेत में डालते हैं तो हमारे खेत में दीमक पैदा हो जाती है और सुपर कंपोस्ट से दीमक की समस्या पैदा नहीं होती है। और हम अपने पशुओं से प्राप्त गोबर को खुले में स्टोर करते हैं तो उनमें जो पोषक तत्व होते हैं वो धूप और हवा में नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सुपर कंपोस्ट खाद में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है। इस खाद को यदि हम छोटे पौधों में डालते हैं तो पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। इस प्रकार ये सुपर कंपोस्ट जो खाद है वो हमारे किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करता है जिससे किसानों की जो आर्थिक बोझ है वो भी कम होता है और पर्यावरण शुद्ध होता है। और सुपर कंपोस्ट खाद के प्रयोग से जो अनाज और सब्जियां या फल प्राप्त होंगे उनकी गुणवत्ता और स्वाद में वृद्धि होगी तो वो हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो समाप्त हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य किसानों के साथ में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।